जब मैं 9th क्लास में थी और मेरा वेट बढ़ना शुरू हुआ ना, तब मुझे कुछ समझ तो थी नहीं, बट वेट लूज करने की जिद में मैंने डिसाइड किया कि मैं कुछ नहीं खाऊंगी। फिर कुछ घंटे मैं खुद को भूखा रखती थी और कुछ देर के बाद मम्मी से डांट भी खाती थी और खाना भी खा लेती थी। बट इस प्रोसेस में मेरा कुछ ही दिन में 1-2 किलो वेट लूज हो जाता था और मुझे दूर दूर तक आइडिया भी नहीं था कि उस जमाने में मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही थी। खैर वो तो बचपन की बात है। अगर आपने भी वेट लॉस करने के लिए कभी इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में सुना है, इसको फॉलो करने का सोचा है, कभी ट्राई किया है या फिर फॉलो करने के बाद भी एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि इंटरमिटेंट फास्टिंग एक्चुअली में क्या है, इंटरमिटेंट फास्टिंग कैसे की जाती है, इंटरमिटेंट फास्टिंग से वेट लूज कैसे होता है और क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग वेट लॉस के लिए बेस्ट एंड परमानेंट सॉल्यूशन है, एंड फाइनली क्या इसके कोई डिसएडवांटेजेस या फिर क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग आपके लिए सही डिसीजन है। तो शुरू करते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है। इंटरमिटेंट फास्टिंग, जिसको शॉर्ट में IF कहते हैं, कि आजकल बहुत ही पॉपुलर वेट लॉस प्रोग्राम की तरह जाना जा रहा है, बट इसके बहुत सारे मिसकंसेप्शंस भी हैं, जैसे कि इट इज नॉट अ डाइट, इट इज अ ईटिंग पैटर्न विच फोकसेस मोर ऑन व्हेन टू ईट रादर देन व्हाट टू ईट। आप क्या खा रहे हो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप कब खा रहे हो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Secondly, it is fasting, but not starving. Fasting or starving में difference है, because when you starve, you keep yourself hungry for a long period of time. It's like torturing your body. But fasting is an extended break given to your body, so you do not keep yourself deprived of any essential vitamins and nutrients. So fasting is nowhere starving. And number 3, it is not only for weight loss. Besides getting rid of that fat, it also helps in detoxification, anti-aging. It's good for your heart, good for the functioning of your brain. It prevents type 2 diabetes, prevents cancer, and all of this helps you in living a longer life. आइए अब जानते हैं कि intermittent fasting को कैसे करना है। इसके लिए आपको अपने पूरे दिन को दो parts में divide करना है, fasting window and eating window. वैसे तो इसके बहुत सारे patterns हो सकते हैं, but हम most common pattern discuss करेंगे, which is 16:8. मतलब कि आप अपने 24 आवर्स में से 16 आवर्स रखोगे फास्टिंग विंडो एंड 8 आवर्स फॉर द ईटिंग विंडो। मतलब 16 आवर्स आप फास्टिंग करोगे और कुछ नहीं खाओगे, और रिमेनिंग 8 आवर्स में आप अपने सारे मील्स इंक्लूडिंग योर ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर कर सकते हो। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप 8 बजे अपना डिनर कर रहे हो तो नेक्स्ट डे 12 बजे तक आपको कुछ नहीं खाना। 12 बजे के बाद आप फ्रूट्स खा के अपना ये फास्ट ब्रेक कर सकते हो, और उसके बाद आप कुछ भी खा सकते हो, आप अपना ब्रंच ले सकते हो। Not that difficult, right? अच्छा, अब काम की बात। How intermittent fasting helps in weight loss? You know that we eat food to get energy so that our body can function, and the additional energy, additional calories get stored in our body in the form of fat. But जब हम intermittent fasting करते हैं, तो उस fasting window में we are not taking any additional calories from outside, so our body starts burning the inside calories, and that is when fat burning begins and we start losing weight. और क्योंकि ये प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर स्टार्ट हो जाता है, अंदर की कैलोरीज बर्न होती हैं, इसकी वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म भी इम्प्रूव हो जाता है। बट यस, अगर आपको वेट लूज करना है तो यहाँ एक कंडीशन है। ईटिंग विंडो डज नॉट मीन कि आप कुछ भी खा सकते हो। यू स्टिल हैव टू अवॉइड शुगर, फ्राइड, जंक फूड, बट आप घर का साफ सुथरा खाना कुछ भी खा सकते हो और आपकी वेट लॉस जर्नी एकदम मक्खन हो जाएगी। सॉरी फॉर द एक्स्ट्रा बटर। और फास्टिंग विंडो में आप नॉन कैलोरिक बेवरेजेस ले सकते हो, जैसे कि कोकोनट वाटर, ब्लैक टी एंड ब्लैक कॉफी। एंड नाउ नेक्स्ट, इज इंटरमिटेंट फास्टिंग द बेस्ट एंड परमानेंट सॉल्यूशन फॉर वेट लॉस? वेल, इन माय व्यू, अगर आपका गोल 2-3 किलो वेट लूज करना है, बॉडी को डिटॉक्स करना है, क्लेंस करना है, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग आपके लिए बहुत अच्छा है। However, अगर आपको एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए तो आपको एक डाइट प्लान फॉलो करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपका वेट कहीं स्टक हो गया और डिक्रीज नहीं हो रहा है, तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग ट्राई कर सकते हो। अगर आपको 2-3 किलो वेट लूज करना है तो ये अच्छा है, बट मोर देन 5 kgs रिड्यूस करना है या फिर वो स्टबर्न फैट हटाना है, तो उसके लिए आपको लो कैलोरी या फिर लो कार्ब डाइट फॉलो करना चाहिए। And yes, in case you're looking for weight loss, you can definitely enroll yourself in my transformation program, which is there on my website www.gunjanshouts.com. इस वेबसाइट पे जाके आप खुद को रजिस्टर कर सकते हो, and then my dietitians will help you with a diet plan every week
वर्कआउट प्लान एंड अ वीकली काउंसलिंग कॉल जस्ट टू मेक श्योर दैट यू अचीव योर फिटनेस गोल्स। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कमिंग डाउन टू द नेक्स्ट पॉइंट, क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं और क्या IF करना आपके लिए सही डिसीजन है? वेल, डिसएडवांटेजेस तो नहीं, बट अगर आपकी बॉडी को फास्टिंग की आदत नहीं है तो स्टार्टिंग में आपको लो एनर्जी फील होगी, हो सकता है आपको डिजीनेस भी हो, बट 3-4 दिन में आपकी बॉडी अडेप्ट कर लेगी, आपको आदत पड़ जाएगी और फिर आपके लिए नॉर्मल हो जाएगा। एंड जैसा मैंने पहले बताया कि अगर आपका गोल 2-3 किलो वेट लूज करना है और बॉडी को डिटॉक्स करना है तो IF आपके लिए बेनिफिशियल प्रूव हो सकता है। एंड इन केस आपको डायबिटीज है, लो ब्लड प्रेशर है, ईटिंग डिसऑर्डर है, अगर आप अंडरवेट हो तो आपको अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप टीनेजर हो, ब्रेस्ट फीडिंग मॉम हो या फिर प्रेग्नेंट वुमेन हो, उस केस में भी आपको फास्टिंग अवॉइड करनी चाहिए। सो ऑल इन ऑल इंटरमिटेंट फास्टिंग पुराने फास्टिंग मेथड्स का ही एक रिवाइज्ड वर्जन है जिसमें आपको खाने पीने की ऑप्शंस चूज करने की कंप्लीट फ्रीडम है। अगर आपको ये वीडियो काम की लगी हो तो इसको लाइक जरूर करना, ऐसी और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो और मेरे साथ पर्सनली कनेक्टेड रहने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे गुंजन शाउट हैंडल पे कनेक्ट कर सकते हो। फिट रहो, हिट रहो।